भी वाहन चोरों का कहेंगे गिरोह बहुत प्रयास के बाद हमारी एसीपी का और एसीपी सभी ने बहुत मेहनत की, थानाध्यक्ष ने और पूरी टीम ने, तो आज वो पकड़े गए, 6 लोग पकड़े गए 112 गंजी के पास से, फिर गाड़ी चुराने गए थे और इनसे 10 गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनसे पूछताछ कर बहुत सारा डेटा निकला है हमारे पास, जिसको अभी हम वेरीफाई करेंगे, और बहुत सारी गाड़ियां चोरी की हैं, सप्लाई की हैं, और आज इनको हम जेल भेज रहे हैं और रिमांड ले करके अगली जो भी कार्रवाई होगी, जो भी बरामदगी होगी, फिर आपसे हम शेयर करेंगे। सर, 10 तो बरामद हो गई हैं, इससे पहले इन्होंने और भी की हुई, इनका डेटा होगा? हाँ, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने और भी बहुत गाड़ियाँ चुराई हैं, जो मिल रहा है, जितना इनके पास सामान मिला है, नंबर प्लेट्स मिली हैं, सारे इनके रिकॉर्ड से देखने से लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी की हैं, तो इसके लिए हमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, उन्हें कस्टडी में ला के करना है। हर किसी का अपना अपना रोल था कोई? हाँ, इसमें ये सब हर एक का अपना अलग रोल है। जैसे इसमें जो सोनू है वो बहुत ही टेक्निकली साउंड है, और वो अच्छी से अच्छी गाड़ियों का हैक कर लेता है सिस्टम, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चाबी भी बना लेता है। सर, फिर इसमें कुछ खड़ी करने वाले हैं, फिर उनको कुछ सेल करने वाले हैं, इस तरह से गाड़ियाँ कहाँ ले जाया करते थे, कैसे बेचा करते थे? इनका कहना है कि हम गाड़ियाँ ऑन डिमांड देते थे और ये NCR में ही बुला करके दे देते थे उनको, तो दूर दूर से, जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, जो जो बताया है हमने, सब केस डायरी मेंशन किया है इनका। इनका आपराधिक इतिहास है, मैंने आपको उसमें दे दिया है कि काफ़ी इसमें कई सालों से ये अपराध कर रहे थे, किसी का 15 है, किसी का 16 है, किसी का 8 है, किसी का 10 है, तो इस तरह से इनका अपराधिक इतिहास। चोरी करने का तरीका क्या था? चोरी करने का तरीका ये था कि ये बताते हैं कि जो साइड वाला शीशा होता है ड्राइवर के पास, उसको तोड़ देते हैं, ये तोड़ करके फिर सिस्टम को हैक कर लेते हैं, चूँकि सारा स्टेयरिंग के पास सिस्टम होता है और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक चाबी होती है, तो फिर उसी को हैक करके हम उसको निकाल लेते थे, सिस्टम ये बाहर ही खोल लेते थे, और फिर इलेक्ट्रॉनिक चाबी बना करके उससे स्टार्ट कर लेते थे। कितना इनाम दे रहे हैं टीम को? तो मैम की तरफ से 25,000 का इनाम इनको दिया था। जो सुरक्षित पार्किंग की बात कर रहे थे, वाहन चोरों का एक गिरोह बहुत प्रयास के बाद हमारी ACP का और SCP सभी ने बहुत मेहनत की, थानाध्यक्ष ने और पूरी टीम ने, तो आज वो पकड़े गए, 6 लोग पकड़े गए 112 गंजी के पास से, फिर गाड़ी चुराने गए थे और इनसे 10 गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनसे पूछताछ कर बहुत सारा डेटा निकला है हमारे पास, जिसको अभी हम वेरीफाई करेंगे, और बहुत सारी गाड़ियां चोरी की हैं, सप्लाई की हैं, और आज इनको हम जेल भेज रहे हैं और रिमांड ले करके अगली जो भी कार्रवाई होगी, जो भी बरामदगी होगी, फिर आपसे हम शेयर करेंगे। सर, 10 तो बरामद हो गई हैं, इससे पहले इन्होंने और भी की हुई हैं, इनका डेटा होगा? हाँ, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने और भी बहुत गाड़ियाँ चुराई हैं, जो मिल रहा है, जितना इनके पास सामान मिला है, नंबर प्लेट्स मिली हैं, सारे इनके रिकॉर्ड से देखने से लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी की हैं, तो इसके लिए हमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, उन्हें कस्टडी में ला के करना है। हर किसी का अपना अपना रोल था कोई? हाँ, इसमें ये सब हर एक का अपना अलग रोल है। जैसे इसमें जो सोनू है वो बहुत ही टेक्निकली साउंड है, और वो अच्छी से अच्छी गाड़ियों का हैक कर लेता है सिस्टम, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चाबी भी बना लेता है। सर, फिर इसमें कुछ खड़ी करने वाले हैं, फिर उनको कुछ सेल करने वाले हैं, इस तरह से इनका गाड़ियाँ कहाँ ले जाया करते थे, कैसे बेचा करते थे? इनका कहना है कि हम गाड़ियाँ ऑन डिमांड देते थे और ये NCR में ही बुला करके दे देते थे उनको, तो दूर दूर से, जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, जो जो बताया है हमने, सब केस डायरी मेंशन किया इनका। इनका आपराधिक इतिहास है, मैंने आपको उसमें दे दिया है कि काफ़ी इसमें कई सालों से ये अपराध कर रहे थे, किसी का 15 है, किसी का 16 है, किसी का 8 है, किसी का 10 है, तो इस तरह से इनका अपराध। चोरी करने का तरीका क्या था? चोरी करने का तरीका ये था कि ये बताते हैं कि जो साइड वाला शीशा होता है ड्राइवर के पास, उसको तोड़ देते हैं, ये तोड़ करके फिर सिस्टम को हैक कर लेते हैं, चूँकि सारा स्टेयरिंग के पास सिस्टम होता है और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक चाबी होती है, तो फिर उसी को हैक करके हम उसको निकाल लेते थे, सिस्टम ये बाहर ही खोल लेते थे, और फिर इलेक्ट्रॉनिक चाबी बना करके उससे स्टार्ट कर लेते थे। कितना इनाम दे रहे हैं टीम को? तो मैम की तरफ से 25,000 का इनाम इनको दिया था। जो सुरक्षित पार्किंग की बात कर रहे थे, मॉल वगैरह